पनीर का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। इस फोन नहीं गिरेगा, ये लूज हो सकता है। आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है ये अरेंजमेंट। चलिए, तो अगला आता है आपका, इसी का बिल्कुल जस्ट टू कॉपी हो जाता है आपका, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक, इसके लिए आपने पढ़ा था 73rd अमेंडमेंट, किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए, पंचायती व्यवस्था के लिए। और 74th अमेंडमेंट हो गया आपका म्युनिसिपैलिटीज के लिए। क्लियर? तो कुछ नहीं लिखना है, बस बिल्कुल वही है। पार्ट 9th में ये भी बिलोंग करता है, हाँ, और पार्ट 9th में ये भी आता है। मतलब 9th ए जो है वो है आपका पंचायती राज सिस्टम, और 9th बी जो है वो है आपका म्युनिसिपैलिटी। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ 74th अमेंडमेंट है और इसके लिए 73rd अमेंडमेंट है, और उसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं करना है। क्लियर? ट्राइब्स कहाँ से आ गई? शेड्यूल ट्वेल्थ। अच्छा, हमें लगा आप शेड्यूल्ड एरियाज की बात करें। नहीं, शेड्यूल ट्वेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, चलिए, अब जिसके लिए जरा कुछ इंतजाम किया वो पढ़ाना स्टार्ट, हटा दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग डील करने जा रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ये मुद्दा बहुत पहले से था कि आप सबको पता है कि मूल संविधान जो लिखा गया वो इंग्लिश में लिखा गया है ना, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया वो इंग्लिश में लिखा गया। ठीक, तो इस अब मुद्दा ये था कि काम किस लैंग्वेज में किया जाए, देश की शासन व्यवस्था किस भाषा में चलाई जाए। तो उसके लिए तय करनी थी एक ऑफिशियल लैंग्वेज जिससे देश का और हमारी सरकार का कामकाज किया जा सके। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी भाषा के संदर्भ में, तीन चीज़ें अक्सर करके कन्फ्यूज़ करती है। पहली कहलाती है आपकी मातृभाषा, दूसरी होती है आपकी राष्ट्रभाषा, और फिर राज्य। नहीं, राज्य से तो मतलब क्षेत्र हो गया, राज्य का मतलब राज का मतलब ऑफिशियल, फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिस। क्लियर? अब तीनों का मतलब समझ लीजिए। मातृभाषा जो कि हमें हमारे परिवार से मिलती है, तो हर एक का परिवार भारत के अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक, कुछ भारत के पश्चिमी हिस्सों में रहते हैं, कुछ पूर्वी हिस्सों में रहते हैं, कुछ उत्तरी, कुछ दक्षिणी, और इस वजह से मातृभाषा में विभिन्नता होना स्वाभाविक है। यानी हर एक को जो परिवार से मिली वो क्या है? मातृभाषा। और मातृभाषा इसीलिए जितने भी कमीशन्स, जितने भी एजुकेशनल कमीशन्स बने, जितने भी इस तरीके के शिक्षा सुधार किए गए, सब में इस बात को रिकमेंड किया गया कि मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। यानी कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। क्योंकि यही वो फेज होता है जब बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है, क्विक लर्नर्स होते हैं हम लोग उस समय। क्लियर? और मातृभाषा से अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसी भाषा में आप उसको अच्छे से सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। क्लियर? तो मातृभाषा वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूसरा वर्ड आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब नेशनल लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए, जो पूरे देश में बोली जाए। तो पूरे देश में बोली जाए तो ये तो कंपलसरी नहीं है, आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, नहीं आपको ये भाषा बोलनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया इस तरीके की किसी भी विविधता में विश्वास, इस तरीके की किसी भी भेदभाव में हम लोग विश्वास नहीं रखते, सभी धर्म और सभी भाषाओं का समान आदर है। क्लियर? तो राष्ट्रभाषा होने के लिए ज़रूरी है ये पूरे भारत में बोली जाए, ये कम से कम 3/4 भूभाग पर तो ज़रूर बोली जाए। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो 3/4 पर बोली जाती है? तो हिंदी बोली तो सबसे ज़्यादा जाती है, लेकिन 3/4 का क्राइटेरिया पूरा नहीं। इसलिए राष्ट्रभाषा के नाम पर भी कोई सहमति नहीं है। यानी कि मातृभाषा तो सबकी पृथक पृथक है, अलग अलग है, लेकिन राष्ट्रभाषा सबकी है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्र की कोई ऐसी भाषा ही नहीं है जिसमें पूरा राष्ट्र एक साथ बात करे। नहीं आ रही बात समझ में? फिर आया कामकाज करने की भाषा, सरकारी आदेशों को जारी करने की भाषा, सरकार के काम करने की भाषा। सरकार किस लैंग्वेज में काम करे, राजभाषा क्या हो? तो राजभाषा से मतलब शासन की और कार्यभार की भाषा, केंद्र सरकार की, क्योंकि केंद्र की भी सरकार है और राज्य सरकारें अलग अलग राजभाषा का चयन करेंगी। ठीक, तो अब राजभाषा जो है वो केंद्र की क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप संविधान पढ़ रहे हो, पूरा संविधान किसके लिए काम कर रहा है? पूरे भारत के लिए, संघ के लिए। तो यहाँ पे जब भी राजभाषा की हम लोग बात करेंगे वो केंद्र के लिए करेंगे।
ठीक, तो केंद्र के लिए राजभाषा क्या होनी चाहिए, हमारा देश किस भाषा में अपना कामकाज करेगा, तो उसके लिए तय किया गया हिंदी, रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है, वही हमारे देश के सरकारी कामकाज की भाषा होगी, यानी केंद्र सरकार अपना सारा काम इसी भाषा में करेगी। क्लियर होगी, देवनागरी इज अ स्क्रिप्ट। अलग अलग तरीके के स्क्रिप्ट हैं, जैसे उर्दू लिखना, उर्दू की एक अलग अपनी स्क्रिप्ट है, क्लियर। पंजाबी एक अलग स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। हड़प्पा काल में कोई स्क्रिप्ट चलती नहीं थी, वो लोग क्या करते थे, पिक्चर्स बनाते थे, और इसी वजह से उनकी स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा टफ है। भाई शब्द हों तो आप उसका मतलब निकाल सकते हैं, अब उस पिक्चर का तो एक स्पेसिफिक कोड होगा ना, वो कोड केवल दो ही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने उसको बनाया है। आप लोग तो सबसे अच्छे कोड लैंग्वेज को जानते होंगे, आप लोग क्या तो यूज ही होता है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। चलिए, तो हिंदी विच इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। कोई कन्फ्यूज़न किसी को समझ में आ रहा? अब जब हिंदी को भाषा का माध्यम बना लिया गया, तो मुद्दा ये हो गया कि भाई बाकी जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश थे उनका हाल नहीं होगा, उनका विरोध करना स्वाभाविक है। क्लियर, किसी भी एक भाषा को अगर केंद्र सरकार महत्व दे रही है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि अन्य भाषाओं के साथ कहीं ना कहीं क्या होगा, पक्षपात हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। लिहाजा इस बात को बहुत तेज़ी से संज्ञान में लिया गया, और भाषा के विकास के लिए, भाषा के पुनरुत्थान के लिए, या भाषाई विवाद को समाप्त करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, ठीक, और वो कहलाया आपका राजभाषा आयोग। इसी आयोग ने इस बात पर निर्णय दिया कि हिंदी तो केंद्र की राजभाषा है ही, पर साथ ही साथ हमारे संविधान में कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मिलित किया जाए और उन्हें भी भारतीय भाषाओं की सूची में रखा जाए। मतलब उनके लिटरेचर को और उन भाषाओं के संरक्षण का काम भी किसका होगा, केंद्र सरकार का। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर, तो आइए हम लोग इसी को आगे लिखते हैं। आपने लिखा है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज को डील किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 17th पार्ट में। तो संविधान का 17वां भाग, ठीक, तो लिख लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज रिलेटेड टू पार्ट 17th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियल लैंग्वेज रिलेटेड टू पार्ट 17th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम आर्टिकल 343 से 351। क्लियर, तो आर्टिकल 343 से 351 के बीच हम किसको डिस्कस करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज को, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट 17th में किया गया है। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, अब तो लिख लीजिए हिंदी रिटन इन देवनागरी, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट कंसीडर्ड एज, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट कंसीडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, सॉरी सेंटर, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट कंसीडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंटर। हिंदी जो कि किसमें लिखी गई है, देवनागरी लिपि में, वो केंद्र के लिए राजभाषा होगी। केंद्र का मतलब यूनियन गवर्नमेंट से है, ठीक, संघ से है। चलिए, अब इसके बाद बात आती है उस कमीशन की। तो भाषा ही विकास और भाषाई समस्याओं को दूर करने के लिए 1955 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसके अध्यक्ष थे मिस्टर B.G. खेर। क्लियर, तो लिख लीजिए इन 1955 प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.G. खेर इन 1955 प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एंड
ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर, ठीक। और बीजी खेर की रिकमेंडेशंस पे ये तय किया गया फ्रॉम 14 सितंबर 1955, 14 सितंबर 1955 से हिंदी को जो है वो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसीलिए आप जानते हैं कि 14th ऑफ सितंबर हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर। अब इसके बाद आप जानते हैं कि जब आपका संविधान बना तो प्रारंभ में हिंदी को तो मान्यता दी ही गई, साथ ही साथ 14 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में रखा गया। मतलब प्रारंभ में सिर्फ 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और इसमें जोड़ दी गई। तो अब हमारे पास जो है संविधान में वो कुल मिला करके 22 क्षेत्रीय भाषाएँ। तो लिख लीजिए, इनिशियली 14 लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट 8 वर एडेड लेटर। इनिशियली 14 लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट 8 वर एडेड लेटर। तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास जो क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है वो कितनी हो गई? 22। तो आइए जरा, 14 भाषा कौन कौन होंगे उसको चेक किया। जो कमेटी है, 14। मतलब इनका ये कहना था कि हिंदी को हम रख रहे हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो अन्य भाषाओं को हमने क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया। और हिंदी भी क्षेत्रीय भाषाओं में भी शामिल है, राजभाषा तो है ही, कामकाज की तो भाषा है ही, पर क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में भी आप इसको देखते हैं। हाँ कम, तो ये आपकी 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं लिख लीजिए। असामी या असमिया, हाँ असमिया, बंगाली, गुजराती, असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कश्मीरी के बाद कोंकणी, कोंकण तट, क्या आएगा कोंकण के तट में? गोवा, गुड। और दूसरा कौन सा स्टेट? केरला, नहीं केरला इज इन मालाबार, नहीं केरला मालाबार कोस्ट में आता है, नहीं कोंकण, महाराष्ट्र का कुछ भाग आएगा, कोंकण तट, तमिलनाडु आएगा भाई कोंकण के तट पे। ये वाला हिस्सा है ना आपका कोंकण कोस्ट, हाँ केरला तो इधर आ जाएगा, ये इतना कोंकण है, फिर इधर से इधर मालाबार है। उसी तरीके से यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो ये पहले उत्कल कोस्ट है, फिर कोरोमंडल कोस्ट है। उत्कल में आपका उड़ीसा आता है और कोरोमंडल में आपका आंध्र प्रदेश आता है, ठीक। आइए लिखिए, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा आएगा कोंकण कोस्ट में, तो कोंकणी हो गई, स्पेसिफिकली गोवा ज़्यादा प्रोविंस कवर करता है, कोंकणी के बाद आ गई आपकी नेक्स्ट लैंग्वेज मलयालम। मलयालम इज़ द एंशियंट लैंग्वेज, है ना, संस्कृत के बाद सबसे प्राचीन अगर कोई भाषा है तो वो मलयालम है, ठीक। मलयालम के बाद आता है मणिपुरी, मराठी, नेपाली, जितने भी आपके,
नेपाली आपके कुमाऊं गढ़वाल के एरियाज में बोली जाती है, गढ़वाली क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है, दार्जिलिंग साइड बोली जाती है, क्लियर। जितने भी गोरखा वर्ड है, जहाँ पे भी गोरखा कम्युनिटी बिलोंग कर रही है, और नेपाल को हम लोगों ने नेपाली लैंग्वेज को देने का मतलब हम अपना फ्रेंडली नेचर दिखा रहे हैं नेपाल के लिए। आपको पता है नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है, तो इसलिए बफर स्टेट का मतलब जिसके एक्शंस का असर उसके को स्टेट्स पे पड़ेगा और को स्टेट्स का असर उस पर पड़ेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए अपने यहाँ हम उनको प्रायोरिटीज़ देने के लिए और अपने साथ उनका फ्रेंडली नेचर दिखाने के लिए हमने नेपाली को एक्सेप्ट किया हुआ है। आपको पता है आर्मी में एक प्रॉपर पूरी रेजिमेंट है जिसमें जिसको गोरखा रेजिमेंट कहते हैं, और इनको बहुत हाँ भर्ती उसी लिए नेपाली, उसमें आप अप्लाई कर नेपाली लोग अप्लाई करते हैं, और ये बहुत ही मतलब फेथफुल कम्युनिटी है, बहुत विश्वास पात्र, वफादार, मतलब एक निर्भीक, निर्भीक मतलब जिसमें डर नहीं है किसी भी तरीके का, तो बहुत ब्रेव रेजिमेंट्स मानी जाती है गोरखा। ठीक, तो आगे बढ़ें, नेपाली, नेपाली के बाद आता है आपका ओडिया, यानी कि उड़िया, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है। ओडिया के बाद आती है आपकी पंजाबी, संस्कृत बोली कहीं नहीं जाती लेकिन फिर भी है, बोलने के लिए आना चाहिए संस्कृत। हाँ, यूपी में तो वो भी बन रहे हैं जो कोई नहीं बन पा रहा है, यूपी की बात मत कीजिए, संस्कृत के टीचर बनने से क्या, उर्दू के भी तो बहुत बन रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो नहीं रद्द किया ना, हमें बनाया, उर्दू और संस्कृत दोनों के लिए, दोनों के लिए ये अननेसेसरी पोस्ट क्रिएट कर दी थी गवर्नमेंट ने, अननेसेसरी उर्दू टीचर्स की, सपा गवर्नमेंट ने, रिक्वायरमेंट नहीं थी उर्दू टीचर्स की, इसी वजह से कोर्ट के स्टे पे कैंसिल हुई है, गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। चलिए संस्कृत, 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 नेक्स्ट वी फोकस ऑन द क्लास, है ना, सिंधी, फॉर्मल क्लास नहीं चल रही है आज हम लोगों की, टिपिकल क्लास चल रही है, सिंधी, संस्कृत के बाद सिंधी, सिंधी के बाद तमिल, इंग्लिश नहीं इंक्लूडेड है सर, बोली भले ही नागालैंड में जाती है लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ऑफिशियल लैंग्वेज बोली ज़रूर वहाँ जाती है पर ये एक एक्सेप्शन है, कहने का मतलब 22 लैंग्वेजेस में इंक्लूड नहीं है, सिंधी सिंध प्रांत में, सिंध वाला हिस्सा, सिंध बलूचिस्तान, फिर भी लैंग्वेज ऐसे तो संस्कृत भी सर नहीं बोली जाती ना, पर लैंग्वेज का कल्चर तो है ना, भाषा अपने साथ सिर्फ भाषा नहीं लाती, पूरी एक संस्कृति भी लाती है, और आपको पता है अंग्रेजों ने इसीलिए प्राइमरी में इंग्लिश को कंपलसरी किया, लॉर्ड मैकॉले, थैंक टू हिम, जानते हैं आप, उन्होंने कहा कि बच्चों को इंग्लिश में एजुकेट कीजिए, बच्चों को, बाकी जितने भी एजुकेशनल रिफॉर्म हुए सब में प्राइमरी में मदर टंग को ही मीडियम बनाने की रिकमेंडेशंस करी गई, पर मैकॉले ने कहा नहीं, जब तक इस चीज़ को आप बचपन से नहीं डालेंगे ये बीज कभी भी वृक्ष नहीं बनेगा, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति पर शिक्षा दी जाए। जितने भी प्राइमरी एजुकेशंस के इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे मदर टंग में था, सबकी एड्स रुकवा दी, ब्रिटिश सरकार ने सबके ग्रांट्स बंद कर दिए, सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया, और उनसे कहा कि अगर आप पढ़वाना चाहते हैं तो या तो इंग्लिश को मीडियम सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए या फिर स्कूल बंद कीजिए, क्योंकि मैकॉले का कथन था कि इस भाषा में और इस कल्चर में पढ़ने के बाद जो लोग बनेंगे वो रंग रूप में तो भारतीय होंगे पर उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरीके से ब्रिटिश होगा। पर चीचा लेदर हो गई इंग्लिश की, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये मैकॉले साहब आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के कट्टर पक्षधर थे, और इसी वजह से आज जब भी कभी नाम आता है अंग्रेजी शिक्षा की तो आप लॉर्ड मैकॉले को सबसे ऊपर देखते हैं, क्लियर। तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इंग्लिश का भी अपना इन्फ्लुएंस्ड है, जो लोग इंग्लिश मीडियम से एजुकेटेड हैं आप उनको देख सकते हैं, ठीक। अब उसके लिए फैमिली का बैकग्राउंड भी इम्पॉर्टेंट है, पारिवारिक परिवेश भी इम्पॉर्टेंट है। अब इंग्लिश तो बहुत वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में बोली जाती है, पर इंग्लिश इंग्लिश में भी फ़र्क है, अमेरिका में आप दूसरा एक्सेंट देखेंगे, है ना, ब्रिटिश में आप दूसरा एक्सेंट देखेंगे, रशियन में आप दूसरा। अब कुछ कंट्रीज इतनी कट्टर हैं, इतनी रिजिड हैं
कि वो इंग्लिश इंग्लिश उन्हें कोई लेना देना नहीं, अगर उनके यहाँ आपको काम करना है तो आपकी उनकी लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी। जापान सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे हार्ड वर्किंग कंट्री है, सबसे मतलब परिश्रमी देश है। आपको पता है इनके स्ट्राइक करने के तरीके भी अनोखे हैं, डबल प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर जूते फैक्ट्री में स्ट्राइक है तो एक ही पैर का जूता बनाना शुरू कर देंगे। कभी तो तुम्हें मानना पड़ेगा, यहाँ की तरह नहीं काम बंद करके बैठ गए, ठीक है। तो जापान के साथ भी है कि वो ना इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, ना वो हिंदी को प्रेफर करते हैं, ना आपकी ना हमारा। आपको हमारे यहाँ काम करना है तो यू शुड लर्न जापानी। वो वही रिजिडिटी ये स्टेटहुड को बढ़ाती है। मतलब इससे क्या होगा, आप उनके उनकी जब लैंग्वेज को सीखेंगे तो उनके कल्चर को सीखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में कल्चर है। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक, आइए तमिल। तमिल के बाद आता है आपका तेलुगु, तमिल के बाद आता है तेलुगु, उर्दू, संथाली, उर्दू के बाद संथाली, बोडो, संथाली के बाद बोडो, मैथिली, डोगरी। ये चार भाषाएं हैं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये चार आपने अमेंडमेंट पढ़ा है, हमने आपको बताया है, ठीक। उस अमेंडमेंट के थ्रू, कौन सा अमेंडमेंट है वो? 2004 में हुआ था, वेरी गुड। अमेंडमेंट कौन सा सर? चल रहा है काम, बस जैसे तैसे क्लास हो रही है। पन्ने पलट लीजिए, शायद मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, 92 अमेंडमेंट, बिल्कुल सही। 92वां संशोधन था, और किस ईयर में हुआ था? 2003 में, गुड। तो 2003 का ये 92वां संशोधन था, जिसमें चार भाषाएं बाद में जोड़ी गई। सबसे पहले अमेंडमेंट में जिस लैंग्वेज को जोड़ा गया था वो थी सिंधी, क्योंकि 14 थी ना, तो 14 से 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को एक्सेप्ट किया गया। फिर इसके बाद इसमें आपका क्या कहते हैं, हाँ नहीं, तमिल तेलुगु पहले से ही थी। तमिल तेलुगु को हटा दीजिएगा, दंगे हो जाएंगे। और चार ये हो गई, तो ये हो गई आपकी 15 और 4 19। बाकी लैंग्वेजेस जैसे कि डोगरी, हाँ चार उसमें डोगरी हो गई। अच्छा हाँ ठीक है, बोडो वही मणिपुर और असम, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, बोडोलैंड, गोरखालैंड, ये सब नए राज्यों की मांग कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के बेसिस पे। हैं फारसी का, भारतीय भाषाओं का मतलब जो भारत के राज्यों में एग्जिस्ट कर रही, बोली जा रही, उनको जोड़ा गया है, ठीक है। फारसी, उर्दू रखी गई ना, और भारत में उर्दू का जन्म हुआ है, फारसी का जन्म नहीं हुआ है। इसलिए पढ़ते थे क्योंकि उर्दू जो है वो फारसी, हिंदी और अरेबिक तीनों लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है। उर्दू का जन्म भारत में हुआ, फारसी फारस से आए जो मुसलमान थे, फारस से आए जो तुर्क थे उनके द्वारा, अरब से आए मुस्लिम्स के द्वारा, अरेबिक, और इंडिया में इन्हीं दोनों के कॉम्पोजिशन में हिंदी को और शामिल करके, हिंदी का प्रयोग करके उर्दू को क्रिएट किया गया। तो पर्शियन में और अरेबिक में, अरेबिक तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, पर्शियन और हिंदी में थोड़ी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज आप देखते हैं, कई चीज़ों में सिमिलर है, ठीक। तो इस वजह से इसको उर्दू का जन्म भारत में हुआ, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा भी जो है वो उर्दू है। पहली राजभाषा के रूप में तो हिंदी काम कर, राज्य की भी अपनी राजभाषा है, ये तो केंद्र की राजभाषा है हिंदी देवनागरी में जो लिखी, और राज्यों की अपनी राजभाषा है, ठीक। साउथ में चले जाइए तो वहाँ की लैंग्वेजेज हैं, वेस्ट में चले जाइए तो वहाँ की लैंग्वेजेज हैं। क्लियर हो गई बात? तो ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोगों को इतना पढ़ना था। चलिए फिलहाल हेडिंग डाल दीजिए, इम्पॉर्टेंट कमीशंस। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, रीजनल लैंग्वेज का कोई इसको दर्जा नहीं दिया गया। हाँ इंटरनेशनल है, और आप दो अवार्ड्स पढ़ते हैं, दो पढ़ा शायद हमने आपको लिखवाए भी होंगे पहली या दूसरी क्लास में, दो अवार्ड्स हैं, एक है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा है आपका सरस्वती सम्मान। ये जो सम्मान है दोनों राष्ट्रीय साहित्य के लिए हैं। राष्ट्रीय साहित्य का मतलब इन 22 भाषाओं में लिखा गया लिटरेचर, तो इन 22 भाषाओं में लिखा गया अगर कोई भी साहित्य है तो वो राष्ट्रीय या भारतीय साहित्य है, ठीक। इसके लिए एक ज्यूरी होती है, वो ज्यूरी तय करती है कि किस किस लैंग्वेज, हर एक
अपना अपना उसके लिए नॉमिनेट करता है अपने आप को हर लैंग्वेज के लिए. इस बार जैसे गुजराती पोएट को मिला है, उनका पोएट्री कलेक्शन है वाखर, वाखर के लिए नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन है गुजराती जिनको ये सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया. ठीक है, ये साल ही पूरा गुजरातियों के नाम रहा. फिलहाल हेडिंग डाल दोगे इम्पॉर्टेंट कमीशन एंड कमिटीज़. तो सबसे पहले हेडिंग डालें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में इसी को कहते हैं आप महान्यायवादी. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी. ठीक, क्या जानते हैं महान्यायवादी के बारे में, कौन हो सकता है ये या कौन होता है ये? अब हम जरूर गिर जाएंगे. बताएं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का वकील होता है. मतलब जैसे केंद्र सरकार अगर कहीं भी जो फाइल पिटीशन होती है, केंद्र सरकार का जो भी पिटीशन देता है, ठीक, सरकारी पक्ष को स्पष्ट करने का काम ये करता है. ठीक है, और इसके लिए आप कह सकते हैं दिस इज द, क्या कह सकते हैं, होता ही है. This is the highest law officer of the country. देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी. सबसे बड़ा विधिक अधिकारी क्यों है? क्योंकि ये सरकार का वकील है. ठीक, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सरकार का वकील. तो सरकार का वकील होने का मतलब सरकार के पक्ष को विभिन्न अदालतों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितनी भी ऐसी कोर्ट्स हैं, सरकार के पक्ष को वहाँ स्पष्ट करता है. सरकार यानी कि कौन सी सरकार? केंद्र सरकार. ठीक, इसके बाद संसद के दोनों सदनों में ये अपनी बात रख सकता है. दोनों का मेंबर जरूर नहीं है लेकिन संसद के दोनों सदनों में अपना पक्ष रखने का अधिकारी है, बट वोट नहीं कर सकता क्योंकि वोट करने का अधिकार तो मेंबर्स को है और ये मेंबर नहीं है. क्लियर? तो लिख लिया होगा आर्टिकल 76 में इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. आगे लिख लीजिए कौन हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए. तो आपको पता है कि भारत का नागरिक हो और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के, लिख लीजिए, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ही इज अपॉइंटेड बाय द पर्सन, सॉरी प्रेसिडेंट, हु इज क्वालिफाइड. ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. Who is qualified as a judge of the Supreme Court? He is qualified as the judge of the Supreme Court. ठीक, तो क्या करना चाहिए इसको? सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की योग्यता रखने वाला व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट क्वालिफिकेशन हो या वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, रिटायर्ड जज हो, उसका भी मतलब यही हो गया ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो है वो अटॉर्नी जनरल के पोस्ट को बिलोंग कर सकता है. क्लियर? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी पर इनका टेन्योर फिक्स्ड नहीं है. टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड. कार्यकाल जो है वो नहीं निश्चित है, यानी कि जब तक सरकार, मतलब जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे. तो लिख लीजिए टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड एंड होल्ड्स द पोस्ट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब ये हो जाता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वो अपने पद पर बना रहेगा. यानी कि आप समझ रहे हैं कौन चाहेगा, सरकार जब तक चाहेगी तब तक वो उसको बनाए रखेगी. तो ये हो गया आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. योग्यता समझ में आ गई? दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, एक योग्यता और एक कार्यकाल. और कई बार पूछ लिया जाता है अपॉइंट कौन करता है, तो आप समझ गए प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होता है. लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, Neither he is a member of Lok Sabha nor Rajya Sabha. Neither he is the member of Lok Sabha nor Rajya Sabha, but can
speak in both houses. But he can speak in both houses. ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद में अपना मत प्रस्तुत कर सकता है, बात रख सकता है, तो वो कौन हो गया? अटॉर्नी जनरल. तो समझ गए होंगे, नीदर ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर राज्यसभा, है ना, बट ही कैन स्पीक देयर. कांट वोट, ही कांट वोट इन एनी बिल. किसी भी बिल के लिए, किसी भी विधेयक के लिए ये वोट नहीं कर सकता. किसी भी बिल के लिए या किसी भी विधेयक के लिए ये वोट नहीं कर सकता. जी, सुप्रीम कोर्ट का जो कोई भी जज हो, वो तो आफ्टर रिटायरमेंट नहीं बन सकता ना. प्रैक्टिस नहीं कर सकता. नहीं, मतलब ये महान्यायवादी तो नहीं बन सकता. क्या नहीं बन सकता? नहीं नहीं नहीं, वहाँ प्रैक्टिस पर बैन है. हाँ हाँ, नहीं बन सकता. हाँ, हाई कोर्ट से प्रमोट करके, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ही अगर आप इनको ले लें, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. हाँ हाँ, लेकिन रिटायर्ड जज नहीं बन सकता क्योंकि उसके ऊपर बैन है प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, हाँ, नहीं बन सकता. समझ आ रही है बात? मतलब रिटायर्ड जज नहीं रह सकता, वो एलिजिबल है अगर, जैसे हाई कोर्ट से वो प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर जा सकता है, तो वो अटॉर्नी जनरल के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है. तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देश के पहले अटॉर्नी जनरल, नहीं पता है? अच्छा, प्रेजेंट ही बता दीजिए अगर फर्स्ट नहीं पता है तो. फर्स्ट अटॉर्नी जनरल एम सी शीतलावध, लिख लीजिए. फर्स्ट फर्स्ट अटॉर्नी जनरल वॉज एम सी शीतलावध. प्रेजेंट के वेणुगोपाल. प्रेजेंट लिख लीजिए, के वेणुगोपाल. एम सी शीतलावध लिखना पड़ेगा नाम. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल इज अ इंडिविजुअल. हाँ, ये पोस्ट है, डिपार्टमेंट नहीं है. समझ रहे ना, डिपार्टमेंट होता तो कई सारे मेंबर्स, ये पोस्ट है, एक व्यक्ति है. क्या है? अब आप जो अगला लिखने जा रहे हैं वो पोस्ट भी है और अपने साथ साथ डिपार्टमेंट भी है. कैग एक पद है जिसका एक चीफ होता है, जिसको आप नाम से जानते हैं, पर ये कैग के अंदर में कम से कम 12 से 15 ऑडिटर्स की टीम होती है, ठीक, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करते हैं. तो सी ए जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक. तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोस्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में इसका जिक्र किया गया है. हाँ, सीए होते हैं. हाँ, सीए होते हैं, सारे सीए होते हैं. हाँ, सी ए सी एस. हाँ, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है ऑडिट का. नहीं, सी ए जस्ट पास करके पहुँच गया. हाँ, बना लो. हाँ, अच्छा, कितने हैं? दो साल. हाँ, वो आपके यहाँ वो होता है ना, अरे क्या कहते हैं उसको, सी सी नहीं, क्या सी, हाँ सी ए में क्या होता है, सी पी टी. हाँ हाँ, सी पी टी वन, सी पी टी. हाँ हाँ हाँ, फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव फाइनल प्रोफेशनल, मतलब एमबीए कंप्लीटेड. अरे अब बहुत टाइम है, अब बहुत ज्यादा. हाँ, मेरा पूरा रेशियो बचा है दो साल का,
अच्छा अच्छा मतलब एग्जाम किसी एग्जाम के साथ एमबीए आपका कहाँ से है? चलिए साइंस ले डूबी हमें ठीक है अरे सी एस ज़्यादा बेटर है सी एस सैलरी भी अच्छी से मिलती सी ए तो बहुत सारे हो गए सी ए बहुत सारे हो गए सी ए मतलब ये भी है ना पर्सनल अकाउंटेंट भी अपने आप को सी ए कहने लगा है वो भी सी ए का सारा काम कर लेता है मैं काम सी ए का ऑफिस में करता हूँ सी एस की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये क्या है ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स अब पब्लिक पर्स का मतलब क्या होता है पब्लिक पर्स का मतलब आप ये समझ लीजिए कंसोलिडेटेड फंड अब आप ये मत कहिएगा कि मैम कंसोलिडेटेड फंड नहीं बताया आपने क्या होता है जितना जैसे हम लोग के पास एक पर्स है यूजुअली हम लोग एक पर्स रखते हैं जो भी हमें आ रहा है वो सब हम उस पर्स में जमा करते हैं सैलरी मिली या जो भी और जो भी हम कुछ खर्च कर रहे हैं वो उस पर्स से खर्च करते हैं तो वही है आपकी कंसोलिडेटेड फंड कंसोलिडेटेड फंड के लिए आर्टिकल 267 आप जानते हैं ठीक है आर्टिकल 267 में ही कंसोलिडेटेड फंड को सॉरी 266 आर्टिकल 266 में ही कंसोलिडेटेड फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है संचित निधि जितने भी सरकार को जिस भी मद से प्राप्ति हो रही है चाहे वो लोन लेकर के आए हों चाहे टैक्स कलेक्ट करके लाए हों या नॉन टैक्स के थ्रू मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी इनकम है वो यहाँ आएगी और जितना भी एक्सपेंडिचर है वो यहाँ से जाएगा तो दिस इज़ द पब्लिक पर्स यानी कि इस फिर अटेंड कर लीजिए फोन आप हेलो ये इसको अंदर कर लीजिए स्टूडियो से ठीक है तो जो भी इनकम होगी वो यहाँ पे होगी और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ से होंगे क्लियर तो कंसोलिडेटेड फंड आपका यही है अब गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ से पैसा रिसीव किया और उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया उस चीज़ को ऑडिट करने का काम ये करता है क्योंकि गार्जियन यही है संरक्षक यही है कि सरकार उस पैसे का दुरुपयोग ना करे इसी की रिपोर्ट से ही पता चला कि कॉमनवेल्थ में स्कैम हुआ इसी की रिपोर्ट से ही पता चला कि 2G में स्कैम हुआ ठीक और विनोद राय ने इस पोस्ट को फेमस कर दिया वरना उससे पहले कैग के पोस्ट को कोई नहीं जानता था कि कैग भी कोई पद है ठीक विनोद हालांकि कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है और ये भी इसका भी एक फिक्स कार्यकाल है 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ इज एज या तो 6 साल आयु के पहले मतलब कार्यकाल के या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष अगर 64 में बने तो 65 साल जल्दी हो जाएंगे और अगर 50 में बने तो पहले 6 वर्ष पूरे होंगे ठीक है तो विनोद राय की ही उसकी हटा भी दिए गए थे इसी के बाद से ठीक है तो उन्होंने इस कैग को बड़ा फेमस कर दिया तो ये है आपका कैग तो लिख लीजिए इसके बारे में और लिख लिया होगा ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट रिमूवल प्रोसेस इज सिमिलर एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब आप समझ गए होंगे डोंट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट वरना हम ये भी तो कह सकते थे ना एज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट तो क्योंकि प्रेसिडेंट के सिमिलर जजेस का है और जजेस से छोटे हैं ये इनका जो प्रेफरेंस है वरीयता सूची में जो इनका नंबर है वो कम है इनसे तो रिमूवल प्रोसेस इज सिमिलर टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा टेन्योर 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ हिज एज विच एवर इज अर्लियर सिक्स ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ हिज एज विच एवर इज अर्लियर दोनों में जो भी पहले होगा क्लियर ठीक और इनके पावर सिमिलर होंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी क्या नॉट CJI सुप्रीम कोर्ट का जज 250 पढ़ी है आपने क्या CJI हाँ 250 तो सैलरी इनकी भी क्योंकि इनके पावर्स और सारा कुछ किसके सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जज के सिमिलर है इसीलिए इनको सैलरी भी वही दी जाएगी जो उनको मिल रही है ठीक है
प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होंगे, ये हो गया इनका कार्यकाल, और आप समझ गए इनको करना क्या, सरकारी खर्चों को ऑडिट करना है, कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ ऑडिट करना है। मतलब ये अपने रिपोर्ट्स में ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ की, और यही एकमात्र ऐसा पोस्ट है जैसे अटॉर्नी जनरल जो सिर्फ सेंटर के लिए काम करता है, मतलब अटॉर्नी जनरल जो व्यक्ति है वो सिर्फ केंद्र सरकार के लिए जिम्मेदार है, जबकि कैग जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए है। मतलब यही वो व्यक्ति है, राज्यों में अलग से कोई कैग नहीं होता है, राज्यों में अलग से कोई कैग नहीं होता है, जबकि स्टेट्स में एजीआई के सिमिलर होता है एडवोकेट जनरल, वो भी एजीआई हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता, ठीक है, क्लियर। जबकि ये कौन होता है, दोनों के लिए वही होगा, जो सेंटर के लिए वही स्टेट के लिए, मतलब स्टेट अलग से अपना कोई कैग नहीं रखते। तो लिख लीजिए, दिस पोस्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। हाँ कि हम नहीं, हाँ कैग से ऑडिट नहीं कराएंगे। बात समझ में आ गई। फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया वी नरहरी राव, लिख लीजिए, फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया वी नरहरी राव, फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया वी नरहरी राव, और प्रेजेंट कैग राजीव महर्षि, पहले फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, राजीव महर्षि प्रेजेंट। राजीव महर्षि, कंप्लीटेड। तो ये क्या 1951 जितने भी पोस्ट आए हैं 1951, ठीक, सिक्स इयर्स का टेन्योर है, सिक्स इयर्स के अकॉर्डिंग ये अपना काम करते रहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है भाई सबको, ठीक। तो अटॉर्नी जनरल में एक चीज़ रह गई थी, लिख लीजिए, अटॉर्नी जनरल में अगर स्पेस हो तो लिख लीजिए, वरना अलग से नोट करके लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए, आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 अटॉर्नी जनरल में लिख लीजिए, अलग से लिख लें, कोई ऐसा नहीं है, वो स्पेस जहाँ पे हो मार्जिन मार्जिन में लिख लीजिए। आर्टिकल 165 डील्स विद द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल, क्योंकि ये 76 है अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में लिखा है ना अटॉर्नी जनरल, और ये है 165, आर्टिकल 165 डील्स विद एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, एंड दिस इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर फॉर द स्टेट, दिस इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर फॉर द स्टेट, अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। और इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होगी, एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। और इसका भी कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है ना, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, क्लियर हो गई बात, ठीक। अटॉर्नी जनरल में ही एक चीज़ लिख लीजिए, अटॉर्नी जनरल की ही हेल्प के लिए, अटॉर्नी जनरल आपने कहा ना कि एक ही व्यक्ति होता है सर, आप ही कह रहे थे ना कि एक ही व्यक्ति है, मतलब एक ही बंदा सारा काम कर लेगा, तो वो एक ही बंदा सारा काम ऐसे कैसे कर लेगा भाई, कैग के पास तो पूरी ऑडिटर्स की टीम होती है, उनका चीफ एक सीएजी के नाम से जाना जाता है जो सबसे सीनियर, उसको कैग कह दिया, होते तो सब ऑडिटर ही हैं एक्चुअली, वो भी क्या है ओरिजिनली वो भी सीए ही है ना। तो यहाँ पर एजीआई की हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं, एजीआई के असिस्टेंट्स होते हैं, तो लिख लीजिए, ठीक, सॉलिसिटर जनरल्स एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, सॉलिसिटर जनरल्स एंड एडिशनल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स आर द असिस्टेंट्स ऑफ एजीआई, आर द असिस्टेंट्स ऑफ एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के असिस्टेंट्स होते हैं, यानी कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो एक न्यायिक पद है, ठीक है, कैसा पोस्ट है, जुडिशियल पोस्ट है, न्यायिक पद है, क्लियर हो गई बात। ये भी आपके जो हैं वो
ओरिजिनली जज ही होंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को बिलोंग करते हैं, और इनके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ही हो, वो कोई भी जुडिशियल ऑफिस को सर्व कर सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका कैग। अगली हेडिंग इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है इलेक्शन कमीशन? सर एक फेवर कर दीजिए, बॉटल ले आइए बाहर से, वो रखिए टेबल पे, क्योंकि हम जाएंगे तो ये सारा मैं हटाना पड़ेगा। सर बड़े सरप्राइज हो गए, क्या मैं बता रही हूँ, बस एक ही सिप चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से 15वें भाग में, पार्ट 15। इलेक्शन कमीशन डील्स विद पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 324 टू 329, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड किया गया है, सॉरी इलेक्शन कमीशन को क्लियर किया गया है, बताया गया है। इलेक्शन कमीशन इज अ थ्री मेंबर्ड ऑर्गेनाइजेशन, थ्री मेंबर, तो थ्री मेंबर में से जो सबसे सीनियर होगा वो होगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और दो इसके अंडर में होंगे इलेक्शन कमिश्नर। ये गवर्निंग अथॉरिटी है। जैसे अगर आपसे आरबीआई की हम बात करेंगे तो आप आरबीआई में कहेंगे एक गवर्नर और चार डिप्टी गवर्नर्स, यानी कि जो बोर्ड है, जो पैनल है, उसमें पांच जो हैं वो गवर्निंग अथॉरिटी। उसी तरीके से इसके जो, जैसे कैग में सिर्फ एक ही बंदा है, अटॉर्नी जनरल में भी सिर्फ एक ही बंदा है, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड है, जो पैनल है, स्टाफ तो बहुत बड़ा होगा इलेक्शन कमीशन का, लेकिन जो पैनल है वो कैसा है, थ्री मेंबर्ड है। एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा हो गया इलेक्शन कमिश्नर। दोनों की एज और एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी तो कोई भी हो सकती है, सरकार जिसको भी योग्य समझेगी वो इस पद के लिए चुना जाएगा। दिस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लिख लीजिए इसके जो भी कमीशन का मतलब, इन तीनों की नियुक्ति, कमीशन अपॉइंट कर रहे हैं मतलब मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, तो दिस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई हमें ये बताए कि नेशनल वोटर्स डे हम लोग कब मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हमने आपकी क्लास में डेज एंड डेट्स पढ़ाए हैं, महत्वपूर्ण दिन और तिथियां, बहुत पहले, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द सीटिंग अरेंजमेंट वाज हियर, बोर्ड इज लोकेटेड एट हियर, बहुत इनिशियली पढ़ाया है। पन्ना पलटने लगे, इट्स 25th ऑफ जनवरी, 25 जनवरी इज नेशनल वोटर्स डे, क्यों 26 को ही मना लेते, याद करने का झंझट खत्म हो जाता, क्योंकि 25 जनवरी 1950, जी हाँ, दिस वॉज द डेट व्हेन इलेक्शन कमीशन वॉज इस्टेब्लिश, तो लिख लीजिए, इसीलिए 25 जनवरी हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे के नाम से, नेशनल वोटर्स डे के नाम से। नेशनल वोटर्स डे के नाम से ओके 25 जनवरी 1950 नेशनल वोटर्स डे। अब पूरा कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होगा, सीईसी भी और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी, तो इसका टेन्योर लिख लीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, 6 years और 65 years of his age. मेंबर तीन होंगे मेन और बाकी स्टाफ तो बहुत बड़ा है ना, ऑफिस तो बहुत बड़ा, हाँ
और तीन अथॉरिटीज हैं। हाँ अपॉइंटमेंट तीन है, बाकी तो आपके एसएससी और यूपीएससी से रिक्रूट होकर के जाते हैं। ठीक है, जैसे स्टाफ गया, जितने भी क्लर्क गए और जो भी गए, वो सब कहाँ जाएंगे? इसी में तो जाते हैं। एसएससी जो रिक्रूटमेंट करता है वो यहीं तो जाए। सेक्रेटरीट गए, इलेक्शन कमीशन गए, ठीक, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सिक्स ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। हाँ, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। और इलेक्शन कमीशनर के लिए, अदर के लिए 6 ईयर्स और 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज है ना, टेन्योर नहीं है। सब लोग वाइब्रेशन मोड पे क्यों नहीं रखते अपना, आप लोग अपना अपना सेल फोन ज्यादा बजता नहीं है। दिन में एक बार तो बजना उसको लगता है। एक बार मेरी तो आज तक ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें आप लोगों का सेल फोन ना बज जाओ, किसी ना किसी का तो बजता है। सर का तो एक बार बजेगा, श्योर है। एक बार इनको कोई ना कोई जरूर याद करता है, चाहने वाले इनके बहुत हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तुम ही लोग को ज्यादा याद किया जाता है। 6 ईयर्स और 62 ईयर्स फॉर इलेक्शन कमिश्नर, ये भी अपने अपने लक की बात है कि नहीं? अच्छा, इलेक्शन कमीशन, ठीक। अच्छा चलिए, इलेक्शन कमीशन। हमें तो लगता है इट्स डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिसमें लगता है फ़ोन है तो अच्छा है, पर कुछ ऐसी होती है जिसमें लगता है नहीं था तो ज़्यादा सही थे। नहीं, चलिए तो इलेक्शन कमीशन के लिए हो गया 62 ईयर्स और इनके लिए हो गया। इनमें भी ये होता है कि जो भी सीनियर है, जो भी सीनियर बंदा है, वो यहाँ पर रिक्रूट कर दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी भी जो जो कंडीशंस हैं, जो एलिजिबिलिटी है या जो प्रोफाइल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वलेंट होती है। मतलब इनको भी सैलरी आप, ठीक, और इनकी जो सैलरी होती है वो किसके अकॉर्डिंग? हाई कोर्ट के जज के इक्वलेंट होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए आपके इलेक्शन कमीशन। इस्टेब्लिशमेंट लिख लिया है आपने। हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर? इलेक्शन कमीशन पहला लिख लीजिए, सुकुमार सेन, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सुकुमार सेन, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट ओम प्रकाश रावत, गुड, ओपी रावत। अब एक चीज हमसे ये पूछ ली जाती है कि ये कैसा निकाय है, कैसी संस्था है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है, एडवाइजरी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, दिख रहा है आर्टिकल 324 है ना, तो ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। तो क्या इन फ्यूचर ये कभी भी खत्म हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है? नहीं हो सकती, इट्स अ परमानेंट। ओके, और एक चीज़ पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इलेक्शन कमीशन करता है या नहीं करता है? तो क्या काम हो सकता है इलेक्शन कमीशन का, क्या करता है? हेडिंग डालिए, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन मतलब हाँ डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ तक रहेगी। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक, टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट, मतदाता सूची तैयार करना। टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट, ठीक। इसके अलावा कोई भी पार्टी तभी चुनाव लड़ पाएगी जब इलेक्शन कमीशन उसको सर्टिफाई करेगा कि हाँ आप रजिस्टर्ड हैं। टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि हाँ ये फेक नहीं है, ये वैलिड पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना या रजिस्टर
द पॉलिटिकल पार्टीज. अच्छा, अब पार्टी आएगी तो अपना प्रतीक चिन्ह लेकर के आएगी, तो प्रतीक चिन्ह बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो प्रतीक चिन्ह किसी धर्म के विरुद्ध ना हो, किसी की धार्मिक भावनाओं को, मानसिक भावनाओं को आहत ना करता हो, समाज के लिए अच्छा संदेश देता हो. जैसे कि आप लिकर बॉटल को नहीं बना सकते हैं सिंबल, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा सोशल मैसेज नहीं देता है. या आप वो क्या कहते हैं, ऐसा कुछ ले आए, कोई कार्टून आपने बना दिया जो कि किसी की धार्मिक भावनाओं को, तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा. नेक्स्ट इज राजनैतिक चिन्हों को आरक्षित करना, हाँ, रिजर्व करना, to reserve the symbols for political parties, to reserve the symbols for political parties. सबसे प्रमुख काम to conduct election. भले ही पार्लियामेंट में चुन करके गुंडे चले जाएं, लेकिन हम चुनाव में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे. ऐसा to conduct election, ये एक मूवी का स्टेटमेंट है, डायलॉग है न्यूटन का. नेक्स्ट, और क्या रह गया, आचार संहिता तैयार करना. बिल्कुल सही. आचार संहिता का मतलब क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट. कितनी संपत्ति होनी चाहिए, हथियार नहीं रख सकते हैं, इस चीज के बाद इतने बजे के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते हैं. मतलब नियम, एक विधान तैयार करना, जिस विधान के अंतर्गत या जिन नियमों के अंतर्गत चुनाव होंगे, वही आचार संहिता है. ठीक, आचार संहिता में आप कोई विकास कार्य भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका पार्ट हो गया. इलेक्शन का टाइम चल रहा है, नहीं माना जाएगा. क्लियर हो गया? तो ये है आपका इलेक्शन कमीशन. ठीक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, बची हुई चीज़ों को और डिस्कस करेंगे. इस टर्न पे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करते हैं, मतलब स्टेट इलेक्शन बोर्ड. हाँ, स्टेट इलेक्शन बोर्ड वो, लेकिन सेंट्रलाइज नहीं से होता है, होता है इलेक्शन कमीशन से ही सेंट्रलाइज्ड है, पर स्टेट में भी स्टेट इलेक्शन बोर्ड्स होते हैं. हाँ, स्टेट में स्टेट इलेक्शन बोर्ड्स होते हैं. ठीक है, देयर इज अ बट रेड होगा. हाँ.